महाराष्ट्र में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने एक बार फिर से एक बहुत ही बड़ा गेम खेला है और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के द्वारा खेले गए इस गेम की वजह से काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है और जितने भी बड़े पॉलिटिशियन हैं वो पूरी तरह से शॉक्ड हैं। आप सबको पता ही होगा कि अभी जो है महाराष्ट्र में आज राज्यसभा इलेक्शन है, बाय द वे सभी जगहों पर आज जो है राज्यसभा इलेक्शन है और उस इलेक्शन को लेकर अभी जो एक बड़ी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के द्वारा रिक्वेस्ट किए जाने के बाद यानी समर्थन मांगे जाने के बाद अब जो है AIMIM ने ऐलान कर दिया है कि वो जो है MBA गवर्नमेंट को यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, यानी कि शिवसेना का जो दूसरी सीट के लिए जो शिवसेना का उम्मीदवार खड़ा है उसको सपोर्ट करने के लिए AIMIM जो है पूरी तरह से रेडी है, वो पूरी तरह से उनको सपोर्ट करेगा। आपको बता दूं कि OIC की तरफ से पहले बोला गया था कि अगर महाराष्ट्र सरकार को उनका सपोर्ट चाहिए तो उनको जो है उनके पास में आना पड़ेगा, उनसे जो है समर्थन मांगना होगा, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से ये बड़ा कदम नहीं उठाया गया। लेकिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए यहां पर OIC से समर्थन मांगा था और बोला था कि वो जो है शिवसेना को सपोर्ट करे और फाइनली अब जो है OIC की पार्टी AIMIM ने ये फाइनली ऐलान कर दिया है कि वो जो है शिवसेना को सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ा कदम है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का, इससे कहीं ना कहीं कई बड़ी पार्टियों को एक बड़ा झटका लगा होगा। आपका क्या ओपिनियन है इस पर, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।